हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। तो इस नई सीरीज़ सर्किट एनालिसिस सीरीज़ में अपन सबसे पहले बेसिक्स ऑफ नेटवर्क की बात करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं चार्ज की। तो अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है सबसे पहले अपन देखते हैं। चार्ज अपन कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी एटॉमिक पार्टिकल की। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि एक अपन हाइड्रोजन का पार्टिकल लेते हैं, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल में अपन को पता है कि एक प्रोटॉन और एक आउटर शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब क्या हुआ कि चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होगा, जो इसमें अपने प्रोटॉन उसके ऊपर चार्ज होगा। मतलब क्या हुआ कि चार्ज एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल ऑफ विच मैटर कंसिस्ट। एंड जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है अपना वो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम होता है। एंड जैसे कि प्रोटॉन पे अपन चार्ज लेते हैं तो वो +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम होता है। तो अपन यहाँ पे देखा है कि जो इसकी यूनिट होती है चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है अपनी कूलॉम। एंड जैसे कि अपन बात करें कि एक कूलॉम सबसे बड़ी यूनिट है, जो द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो अपनी है वो कूलॉम्ब है। और अपन जानते हैं कि जैसे कि एक कूलॉम्ब जो चार्ज होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहिए अपन। तो जो अपन वन कूलॉम्ब चार्ज के अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देन अगर अपन देखें कि लॉ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है फॉर द चार्ज, कि चार्ज को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, नॉट टू बी क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं ना अपन इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकेंड चीज जो है जो कि एल्जेब्रिक सम, सम ऑफ चार्ज वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इस पेन और इस पेन को मैंने आपस में फ्रिक्शन लगाया, तो फ्रिक्शन से मान लीजिए इस पेन से दो इलेक्ट्रॉन इस पेन में चले गए, तो क्या वो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए इसमें 10 थे इसमें भी 10 थे, तो इस पे 8 रह गए इस पे 12 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 20 ही है ना। तो बस अपने को यही चीज़ देखनी है कि एल्जेब्रिक सम चेंज नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही रहे हमेशा। एंड जो चार्ज का सिंबल है अपन जो यूज़ करते हैं सिंबल, अपन इसको क्यू से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं अपन करंट की, करंट क्या चीज़ होती है। करंट अपन कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो अपना डिपेंड करता है रेट ऑफ चार्ज की रेट ऑफ चेंज पे। जैसे कि अपन कहते हैं कि आई टी इस टाइम पे कितनी होगी,
वो डिपेंड करता है कि क्यू उस टाइम पे कितना था और जो टाइम था वो कितना था अपने पास। तो मतलब क्या हुआ, अगर मुझे 1 एम्पेयर करंट लेनी है, जैसे कि जो करंट है, करंट की जो यूनिट होती है वो एक्चुअली होती है अपनी एम्पियर, या फिर मैं कह सकता हूँ क्या, कूलॉम अपॉन सेकेंड। तो वो क्या अपना, जैसे कि 1 कूलॉम चार्ज को अगर अपन 1 सेकेंड में कहीं मूवमेंट करवाएं तब अपने पास 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। मतलब क्या, वो 1 कूलॉम को चार्ज है, उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में ट्रैवल किया, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज को ट्रैवल करने पे मेरे को 1 एम्पियर करंट मिलेगी। इन एन इन विच कंडक्टर, ठीक है, अगर मेरे को करंट चार्ज निकालना हो तो क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डी क्यू इक्वल्स टू आई टी डी टी, एंड दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मेरे पास इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम आई टी डी टी। तो ये मेरे पास फाइनल चार्ज आ गया टी टाइम पे। अपन ने यहाँ पे भी देखा था करंट की वैल्यू, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, देन करंट अपनी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर विद इन सेम कंडक्टर अगर करंट अपनी बी टू ए डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, देन करंट अपनी नेगेटिव होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वोल्टेज क्या होती है। अगर अपन वोल्टेज की बात करें, तो वोल्टेज एक्चुअली होती क्या है, जैसे कि विद इन जो कंडक्टर है, मान लीजिए वो कंडक्टर लेते हैं अपन ए पॉइंट टू बी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है, पॉइंट चार्ज कोई, एक कूलम का मान लेता हूँ कोई चार्ज है क्यू वन, इस चार्ज को मुझे यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लो बी पॉइंट तक लेके आना है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो जैसे कि आपको मान लीजिए मेरे को इस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए वर्क करना पड़ा, तो जो मेरा वर्क होगा और जो चार्ज होगा, जिस वैल्यू की चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ, उन दोनों का रेशियो होता है वही अपनी वोल्टेज होती है। जैसे कि या मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज को अपन एक और वर्ड बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का कोई डिफरेंस होगा पोटेंशियल का। मतलब मान लीजिए ए पॉइंट पे हाई पोटेंशियल था, मतलब यहाँ पे एक कूलॉम का चार्ज पड़ा है और यहाँ पे क्या था अपना, कोई चार्ज नहीं है, 0 कूलॉम मान लेता हूँ, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। देन वी ए माइनस वी बी, अपने पास कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल निकल के आएगा जो अपना क्या होगा, वोल्टेज होगी। तो जैसे कि अपन जो अपनी ए टू बी पॉइंट की जो वोल्टेज होगी वो वी ए बी एट अ टाइम टी क्या होगी, अपनी डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। जितना मैंने वर्क किया और जितने मैंने चार्ज को लेके गया वर्क करके, वो तो 1 वोल्ट, वोल्ट ही इसकी यूनिट होती है। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होती है, 1 वोल्ट इक्वल टू जूल, क्योंकि वर्क एनर्जी की वैल्यू तो जूल होती है और ओपन में कूलम, तो ये इसकी यूनिट आ गई। अब अपन को पता है, बट इसमें क्या है कि वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे चार्ज पड़ा है, तो इसका कोई पोटेंशियल अपन वोल्टेज नहीं ले सकते हैं, कोई मेजर नहीं कर सकते। अपन को अगर इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, तो अपन को कोई अदर पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, तभी अपन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट जो चार्ज है उसका कोई वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करता है।
अगर मैं इसमें पोलैरिटी की बात करूं, पोलैरिटी कैसे होगी, तो जैसे कि मान लीजिए सर्किट है कोई अपना, जैसे ये कोई यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है, और यहाँ पे इसके जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे जो वोल्टेज है वी ए बी होगी, अगर ये प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, क्योंकि प्लस पॉइंट पे हमेशा हायर पोटेंशियल लेके चलते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल लेके चलते हैं, तो हायर माइनस लोअर पोटेंशियल आ जाएगा अपना ये। अगर यही वाला सर्किट अपना ऐसे हो जाए, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा ये ए पॉइंट, ये वी बी ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था प्लस पॉइंट पर हायर पोटेंशियल लेते हैं, तो वी बी ए मेरा क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। या मैं क्या कह सकता हूँ इन दोनों को कंक्लूड करके कि वी ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए, यही तो है। जैसे कि अपन एक सिंपल लेते हैं, जैसे कि कोई रजिस्टर है, अगर यहाँ पे अपनी प्लस माइनस इसके बीच में 5 वोल्ट आ रही है, ठीक है, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूँ, अगर सेम इसको देख के ये नेगेटिव कर देता हूँ ये पॉजिटिव कर देता हूँ और मैं पोटेंशियल ले रहा हूँ, तो मेरे पास जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, -5 वोल्ट। सिंपल सी बात है। अब अपन देखते हैं कि जिसकी वोल्टेज है वो दो टाइप की होती है, अपनी जो वोल्टेज होती है वो भी दो टाइप की होती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं वोल्टेज दो टाइप की कौन कौन सी थी, टाइप्स ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज दो टाइप की होती है, तो कौन कौन सी होती है, पहली तो अपनी होती है डीसी वोल्टेज, जिसमें फ्रीक्वेंसी अपन 0 लेके चलते हैं, और सेकंड होती है अपनी एसी वोल्टेज, जिसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो डीसी वोल्टेज में क्या होगा, जैसे अपन को वेव फॉर्म बना के देखें, तो डीसी मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी अपने को टाइम के रिस्पेक्ट में, वो वेरी नहीं होगी। जैसे कि 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट ही अपने को कांस्टेंट मिलेगी टाइम के अकॉर्डिंग, कभी वो वेरी नहीं होगी। बट अगर अपन एसी वोल्टेज लें, तो वो टाइम के साथ वेरिंग होती है हमेशा। जैसे कि टी ले लिया, तो मैंने जैसे कि ये वोल्टेज ली, ये जो शो हो रही है ये अपनी क्या, एक साइन वेव है। साइन वेव मतलब ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये अपनी एक ऐसी वोल्टेज है। मान लीजिए जहाँ पे पीक जो है इसकी 5 वोल्ट मिल रही है अपने को, तो ये एक्चुअली 5 वोल्ट नहीं है, एक्चुअली टाइम के साथ वेरी है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 वोल्ट हुआ, फिर यहाँ पे 2 वोल्ट हुआ, फिर यहाँ पे 3 वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, सिर्फ सेम मैनर में अपना रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, फिर नेगेटिव में भी वोल्टेज अपने को मिली -5 वोल्ट। तो अपन अगर पीक टू पीक वोल्टेज की कैलकुलेट करें, तो ये अपने को 10 वोल्ट मिल रही है। तो ये थी अपनी टाइप्स ऑफ वोल्टेज, डीसी और एसी। मतलब डीसी में टाइम वेरिंग नहीं होगा अपने, और एसी में टाइम वेरिंग होगा। मतलब क्या होगा, वोल्टेज धीरे धीरे 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर पीक तक जाएगी, फिर पीक से वापस 0 पे आएगी, फिर 0 से नेगेटिव में जाएगी, और नेगेटिव पीक से वापस 0 में जाएगी। अब अपन बात करते हैं पावर की, पावर एक्चुअली क्या होती है अपनी। जैसे कि पावर की बात करें, पावर क्या होगी, या तो कोई सर्किट एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा या डिलीवर कर रहा होगा। तो पावर एब्जॉर्बिंग या डिलीवरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन जो होती है, या अपन जो एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही अपनी पावर होती है। जैसे कि dW/dt, मान लीजिए कोई 5 वोल्ट की बैटरी सोर्स थी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेजिस्टर लगा दिया 5 ओम का, तो ये मेरे जैसे पावर लेगा, तो पावर ये डिलीवर कर रहा है और ये मेरा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करंट निकाल लेते हैं, तो 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर मान लीजिए, तो पावर कितनी होगी, I²R। तो 5 वॉट पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है ये रजिस्टर, और ये क्या कर रहा है अपना, 5 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है। तो अब होगा क्या, अगर मैं आप उसको देखूँ V और I की टर्म्स में निकालना चाहूँ, तो क्या करूँगा मैं, जैसे कि P/dW/dt था, उसको मैं इसको dQ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो dW/dQ अपने को पता है VT होता है वोल्टेज,
एंड मल्टीप्लाई विद डी क्यू बाई डी टी, पर उठता है करंट होता है, तो जो पावर आ गई वो मेरे क्या आ गई, पी इक्वल टू वी इन टू आई। मतलब क्या, वो पावर वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करती है, मतलब जो पावर है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पावर जो साइन कन्वेंशन होगा वो कैसे होगा। तो पावर के लिए साइन कन्वेंशन होगा अपना, वो उसमें दो टाइप की होती है, तो एब्जॉर्बिंग पावर होगी या डिलीवरिंग पावर होगी। तो एब्जॉर्बिंग पावर के लिए अपन कैसे करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई साइन कन्वेंशन ऑफ पावर, तो साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ पावर में जैसे कि एक तो एब्जॉर्बिंग पावर अपनी, जैसे कि आप पहले देखते हैं कि एब्जॉर्बिंग पावर कैसे होगी। एब्जॉर्बिंग पावर और एक होती है डिलीवरिंग पावर या सप्लाई पावर ऊपर तो बोल सकते हैं। तो जो अपनी एब्जॉर्बिंग पावर है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एलिमेंट लगा है यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, और इसकी जो एक्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस वी है, ये करंट की डायरेक्शन है। मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस टू माइनस है और करंट उस एलिमेंट के अंदर एंटर कर रही है, तो पावर हमेशा डिसिपेट होगी, मतलब एब्जॉर्ब होगी। मतलब पावर अगर एलिमेंट जो कर रहा है एब्जॉर्ब, मतलब हमेशा पावर रिसीव करेगा, अगर जो करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है और नेगेटिव टर्मिनल से अपन बाहर आ रही है हमेशा। और सप्लाई पावर में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है अपना, जैसे कि कोई ये एलिमेंट था अपना, तो इस एलिमेंट में जैसे कि ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, नहीं जैसे कि ये करंट थी अपनी, ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था, तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, मतलब ये क्या कर रहा है, जो एलिमेंट है ये एक्टिव एलिमेंट है जो पावर अपने को दे रहा है, एक्टिव एलिमेंट लगा है जो अपने को पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो एलिमेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जो लॉस हो रहा है इसके अंदर, ये अपना क्या पैसिव एलिमेंट है। तो अब इसमें जैसे कि अपना वो हो जाएगा पावर कन्वेंशन, जैसे कि पी इक्वल्स टू वी आई, अगर वोल्टेज भी प्लस हो और करंट भी पॉजिटिव हो, तो अपनी जो पावर होती है वो हमेशा एब्जॉर्बिंग नेचर की होती है। बट अगर पावर अपनी नेगेटिव हो, नेगेटिव वी आई आए, या तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाए या करंट नेगेटिव हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी चीज़ एक नेगेटिव हो गई, तो अपनी ओवरऑल पावर नेगेटिव होगी। मतलब क्या होगी, सप्लाई इन नेचर होगा ये हमेशा। एंड हमेशा जैसे कि जो अपनी एब्जॉर्ब पावर होती है, पावर एब्जॉर्ब, वो हमेशा इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ पावर सप्लाइड। मतलब क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब और पावर सप्लाइड का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होना चाहिए। ये एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है किसी भी सर्किट की, नेटवर्क की, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे कि अपन बात करते हैं कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान ली, तो जैसे कि क्या होगा अपना, मतलब कोई एक सर्किट लेते हैं, जैसे अपन तो एक ये रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अक्रॉस अपनी जैसे वोल्टेज मान लेते हैं 5 वोल्ट है, और ये अपना क्या था मान लेते हैं कोई 10 ओम का रेजिस्टर है, तो इसमें जो करंट जो फ्लो हो रही है अपनी वो कितनी होगी, 0.5 एम्पियर। अगर वो 0.5 एम्पियर हो रही है, तो अपनी जो पावर होगी वो कितनी होगी, अपने को पता है पी इक्वल टू वी आई, तो वी तो अपना 5 वोल्ट इंटू 0.5 वोल्ट, ये अपनी पावर फ्लो होगी इसमें। मतलब क्या हुआ, ये पावर अपनी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये अपन डिलीवर्ड पावर के लिए देखें, तो डिलीवर्ड पावर के लिए क्या होगा अपना,
जैसे कि अपनी जो वोल्टेज है, मान लेते हैं जैसे कि यही वाला सर्किट है सेम अपना, ये कोई रजिस्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, अगर एक रजिस्टर लगा दिया जिसमें सेम वही अपनी 5 वोल्ट यहाँ पे हो रही है प्लस टू माइनस, अब बट करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, यहाँ पे कोई एलिमेंट लगाया है ना, ये रजिस्टर तो नहीं है, रखूँ रजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट होता है, यहाँ पे कोई भी एक एक्टिव एलिमेंट है मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो 0.5 एम पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो अपन जो पावर लेंगे पी इक्वल टू पोटेंशियल वोल्टेज तो अपना 5 वोल्ट है बट इंटू करंट नेगेटिव है मतलब -0.5 है, तो अपनी जो पावर होगी वो -2.5 होगी, मतलब क्या हो कर रहा है, ये जो एलिमेंट यहाँ पे लगा वो सप्लाई कर रहा है पावर, तो ये पावर अपना कन्वेंशन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा एक सर्किट के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि अपन देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्व एनर्जी में क्या होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर हमेशा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जीरो होना चाहिए, जो पावर का सम है एल्जेब्रिक वो हमेशा जीरो होना चाहिए, जो कि मैंने ऊपर ही बताया था कि पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू नेगेटिव पावर सप्लाई होना चाहिए हमेशा, तभी तो अपना क्या होगा कि जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा वो वैलिड होगा। तो नेक्स्ट जैसे कि मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब चुकी है वो इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ एल्जेब्रिक पावर ऑफ सप्लाइड के, तभी अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाई होगा अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट जैसे कि अपना देखते हैं एनर्जी, तो अभी अपन देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी में अपन जैसे कि देखा कि जो कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की वही अपनी एनर्जी होती है, तो इसके अंदर होता क्या एक्चुअली, जैसे कि मान लीजिए कोई ए पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज पड़ा है ठीक है, तो इस क्यू चार्ज को मुझे बी पॉइंट लाने कुछ नहीं कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अपनी एनर्जी होती है, जैसे कि अब अपन को पावर, जैसे पावर का फॉर्मूला पता था कि पावर क्या होती है, अपनी पावर इक्वल्स टू dW/dQ, dW/dt, अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ मैंने कितना वर्क किया कि वर्क करने में मेरी एनर्जी वेस्ट होने वाली है, तो वो क्या होगा dW इक्वल टू पावर .dt, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँ मैं टी इनिशियल से टी तक, तो मेरे पास जो वर्क आ जाएगा पूरे का पूरा टी टाइम के अंदर, जो क्या होगा मेरा टी से P.dt, तो मतलब क्या हुआ मैंने इतने टाइम में इतनी एनर्जी एक्सपेंड की, तो इसकी जो अपनी वो होती है यूनिट अपन देखें जैसे कि, तो एनर्जी की जो यूनिट होती है अपन सीधे अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं जूल, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कि वाट सेकंड, वॉट किसकी यूनिट होती है पावर की, और सेकंड अपने टाइम आ गया, तो जो अपनी अब एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रिकल अपनी जो मतलब कंपनीज है वो अपनी जो एनर्जी लेती है अपन जो वॉट आवर में लेती है, ये आपने कितनी वॉट आवर जो खर्च किए हैं मतलब आपने स्पेंड किए kWh किलो वॉट आवर, आप इसका बिजली का बिल भरते हो। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट में अपन मिलते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कितने नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो उनकी कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, कौन से एक्टिव एलिमेंट होते हैं, कौन से पैसिव एलिमेंट होते हैं, तो अपन उस सबके डिटेल्स में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो इसी के साथ धन्यवाद, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।